अलीजे शहर के बाद आयशा अकरम पीछे न रही। आयशा अकरम ने एक बहुत बड़ा और इतना बड़ा दिल किया कि अब उसने पूरी की पूरी 8 मिनट की वीडियो हमारे नौजवानों तक पहुंचाई। ये कहां से वीडियोस आती हैं? जब गटर का ढक्कन ओपन होगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो वहां उसमें गिरेगा, गटर बंद कर दिया जाएगा। आपके घरों को ये औरतें, ये फहाश औरतें खराब कर रही हैं। आयशा अकरम, बाय द वे, आपको जरा होश के नाखून लेने चाहिए और हमारी नौजवान नस्ल को प्लीज खुदारा तंग ना करें। और आयशा अकरम से मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा मेहरबानी, और आने वाली से जो रिक्वेस्ट है, आप इस चीज़ को से दूर रहिए और मजीद कोई ऐसा प्रोपोगंडा या ऐसी कोई चीज़ ना शो करिएगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी वकार दानिश और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, एक शेर तो दूसरी सवा शेर। अलीजे शहर के बाद आयशा अकरम पीछे न रही, जिसके लिए मुगलों ने खजाने लुटाए, वो आज आपको रियासते मदीना में बिल्कुल फ्री मिल रहा है, बिल्कुल सरेआम और आराम से मिल रहा है। नौजवान नस्ल बड़े बखूबी और बड़े शौक को जोक से उसको देख रहे हैं। नाज़रीन, आयशा अकरम, आपने सुना होगा मीनार पाकिस्तान में काफ़ी उसकी मजम्मत की थी जब उसके साथ सलासर ज्यादती हुई थी, और मेरे जो सीनियर थे इकराल हसन और यासर शामी साहब, उन्होंने अपनी तरफ से जो है उनके सर के ऊपर हाथ रखा और उसको ये यकीन दहानी कराई कि हमारी नौजवान नस्ल ऐसी नहीं है। बाय द वे, उनको क्या पता था कि ये गंदा अंडा कल को हमारे ही फेस पे पड़ेगा और हमारे ही हाल बुरे करेगा। नहीं, आयशा अकरम जो मीनार पाकिस्तान में अब बड़ी मजम्मत करती रही और बाद में उसके ऊपर काफ़ी चर्चे भी हुए, बहुत सारी कार्रवाइयाँ भी हुई, बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी गया, और उसके बावजूद आयशा अकरम की एक दफ़ा तो खामोशी होगी। उसके बाद कहाँ गई आयशा अकरम और कहाँ गया उसका नाम? तो फिर क्यों ना, आयशा अकरम ने एक बहुत बड़ा और इतना बड़ा दिल किया कि अब उसने पूरी की पूरी 8 मिनट की वीडियो हमारे नौजवानों तक पहुंचाई और ये कहा कि जी हाँ, आपको मैं एक और सर्विस प्रोवाइड करती हूँ जो आप अभी तक अलीजे शहर की है, अब मैं करती हूँ। तो यहाँ पे कुछ सवालात उठते हैं, सवालात ये उठते हैं कि जनाब, ये कहाँ से वीडियोज आती हैं? और आप जैसे मेरे जैसे 2 टके के यानी कि यूट्यूबर्स जो यहाँ पे बैठे होते हैं और ये सवाल करते हैं कि आप ही सब बेहयाई को फैला रहे हैं। अरे भाई, अगर हम आपको इस बात की आगाही नहीं देंगे कि जनाबे वाला आपके घरों की आपकी नस्लें क्या कर रही हैं, तो डेफिनेटली आपको बुरा तो लगेगा। यहाँ पे बहुत सारे सवालात उठते हैं कि जनाब, आप उसकी वीडियोज़ को लीक कर रहे हैं, ज़्यादातर तो आप व्यूज़ के चक्कर में शोर बवेला करने के लिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं। भाई, हम बढ़ाते नहीं, हम आपको बताते हैं कि माशरा किस लिहाज से, किस तरीके से ख़राब कर रही है ये, और इन ख़राब करने वालों के खिलाफ एक ऐसा एक्शन लिया जाए ताकि नेक्स्ट कोई इस तरीके वीडियोस कॉल पे कोई इस तरीके अपनी अपना जिस्म जो है वो सरेआम ना दिखाए और जो नौजवान नस्ल को तंग ना करे। जब गटर का ढक्कन ओपन होगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो वहाँ उसमें गिरेगा, गटर बंद कर दिया जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि उसमें कोई नहीं गिरेगा। ऐसे ही आयशा अकरम की 8 मिनट की जो वीडियो लीक होती है, उससे पिछले वो कहती है, आपने मेरे साथ ज्यादती की वीडियोस में देखे हैं और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरी कोई ऐसी वीडियोस नहीं है, मैंने कोई ऐसी बेहयाई नहीं फैलाई, लेकिन जनाबे वाला आपने फैलाई है और आप ये काम करती हैं और आपका ये शौक बन चुका है। यहाँ पे 2 दिन आती हैं और फिर जब आपका नाम डल हो जाता है, वो बिल्कुल सुस्त हो जाता है, तो फिर आपका कुछ ऐसा कारनामा वाजे नज़र आता है जिससे नौजवान नस्ल, जिससे पूरे पाकिस्तान, जिससे पूरी दुनिया में हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। और ये शर्मिंदगी हम नहीं करवाते बल्कि आप करवाते हैं, और आपसे कहता हूँ कि जनाबे वाला गौर करें और ज़रा फिक्र करें कि आपकी जो दाएं बाएं क्या हो रहा है, किस तरीके से आपके घरों को ये औरतें, ये फहाश औरतें खराब कर रही हैं। मैं तो उनको फहाश औरतें ही कहूँगा जिसने सरेआम ये वीडियोस दिखाई और उसके बाद ये एक से एक बढ़ के वीडियोस लीक होना शुरू हो गई है। और मैं अदारों के नोटिस में भी ये बात लाना चाहता हूँ कि खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, कुछ ना कुछ ख्याल करें, और जो इस वीडियोस को लीक करते हैं, जो इसके जिम्मेदार होते हैं, उनका पूछा करें और उनको कैरेक्टर किरदार तक पहुंचाया करें ताकि ये जो गलत वेव, जो गलत तरीका है, ये वहाँ पे इस्तेमाल, ये गलत तरीके से लोगों को इस्तेमाल ना कर सके और नौजवान नस्ल को तबाह ना कर सके। आयशा अकरम, बाय द वे, आपको ज़रा होश के नाखून लेने चाहिए और हमारी नौजवान नस्ल को प्लीज़ खुदारा तंग ना करें, डिस्टर्ब ना करें। आपकी ये जो सोशल मीडिया, टिकटॉक और एक्सेट्रा जो चीज़ें हैं, इससे थोड़ा सा गुरेज करें। टिकटॉक है, हाँ, बहुत सारे उसने आपके लिए एक आसानियाँ पैदा की हैं, आपका जो टैलेंट है वो बड़ी जल्दी लोगों तक पहुँचाया है। टिकटॉक एक अच्छी ऐप है, हर चीज़
को एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका अगर सही से इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही मुफीद होगा। ये जदीद दौर हमारे लिए बिल्कुल अच्छा है अगर हम उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उसी को बुरे और बुरी वेव पे लेकर चलते हैं तो डेफिनेटली आपकी नौजवान नस्ल, आप खुद तबाह होंगे और बर्बाद होंगे। लिहाजा अपने दाएँ बाएँ हर तरफ ख्याल किया करें। और आयशा अकरम से मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदा रहा मेहरबानी, और आने वाली से जो रिक्वेस्ट है आप इस चीज़ को से दूर रहिए और मज़ीद कोई ऐसा प्रोपोगंडा या ऐसी कोई चीज़ ना शो करिएगा जो मेरी नौजवान नस्ल को ख़राब करेगी, जो मेरे और मेरे मुल्क पे आँच आने देगी। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो, और मुझे वकार दानिश को इजाज़त दीजिए। और एक बात को ज़रा जहन में बिठा लीजिए कि जब तक आप लोग इस बात का ख्याल नहीं करेंगे कि आपके घरों में क्या हो रहा है, आपकी दाएं बाएं क्या हो रहा है, और आप हर चीज़ को आज़ादी के साथ इसका कंट्रोल नहीं करेंगे अभी से, तो फिर ऐसे वाक़ रूनमा होते रहेंगे और ऐसी तरीके वीडियोस लीक होती रहेंगी, ऐसी तरीके से कत्ल किया जाएगा, ऐसी तरीके ही जो है मर्डर्स जो रेप के केसेस से ज़्यादा इजाफा होता जाएगा। अगर अदारे इस बात के अगर एक को सज़ा देती है, एक को जुर्मवार ठहराती, तो जो इसमें इन्वॉल्व है उसको भी उतना जुर्मवार ठहराना चाहिए कि उसने ये घटिया हरकत की तो की क्यों। बहरहाल अल्लाह आपका और मेरा हामी व नासिर हो। वस्सलाम।